माता, मैं शत्रु नहीं सेवक हूँ, प्रभु श्री राम का दास हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका हनुमान हूँ। परिचय की आवश्यकता नहीं है, मैं भली भांति जानती हूँ तुम्हें, वही हनुमान हो जिसने मेरे पुत्र राहु का अधिकार छीन लिया। सूर्य को खाने का अधिकार केवल मेरा है। ये रसीला फल मैं ही खाऊंगा। अब दशानन की सेविका का कर्म भी पूरा होगा और राहु की माता का प्रतिकार भी। अभी तो मैंने तुम्हारा प्रतिबिंब ही पकड़ा है, अब मैं तुम्हारे प्राण भी जकड़ लूंगी। इतना बड़ा आकार है और एक नन्ही सी बात समझ नहीं आती। एक तो मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और उस पे अपनी माता की खोज पर जा रहा हूँ। भगवान का आदेश पाया भक्त और माता की पीड़ा में उलझे पुत्र का मार्ग नहीं रोकते, अन्यथा भारी पड़ जाता है। ये लंका का मार्ग है, यहाँ का भाग्य भी रावण है और भगवान भी, और मैं उनकी निष्ठावान दासी जिसे दशानन ने बिन बुलाए अतिथियों का स्वागत करने के लिए ही रखा है। आओ स्वागत ग्रहण करो। अरे पहले आप देख तो लो, पकड़ा किसे है? हाँ? दुष्ट मायावी वानर, सिहिका से खेलते हो, मेरे प्रकोप से बचोगे नहीं। जिसके पास प्रभु श्री राम का नाम, उसे किसी कोप से क्या भय? की परछाई क्यों नहीं दिख रही है? पकड़े गए ना वानर, अब मरने के लिए सज्ज हो जाओ। जितना छटपटाना है छटपटा ले, अब तेरी कोई युक्ति काम नहीं आने वाली। जैसी आपकी इच्छा राहु की माता। श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम
श्रीमद् रामायणम्। माता, मुझे आप पर घातक प्रहार करके यहाँ से निकलने के लिए विवश ना करें। इतना समझाने के बाद भी आप नहीं समझी। उद्देश्य बहुत ही बड़ा है और समय बहुत कम। मुझे जाना होगा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के भक्त की परछाई पे कोई भी आपदा नहीं आ सकती और प्रभु श्री राम के कार्य में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। सीता माता मिलेंगी, खोजेगा उनका ये पुत्र हनुमान। जय श्री राम। जाओ जाओ। लंका में लंकिनी के आज्ञा के बिना पक्षी भी नहीं आ सकता, फिर तुम कौन हो? बोलो कौन हो तुम? मैं भी राक्षस कुल से हूँ, शरणार्थी हूँ, लंका में शरण के लिए आया हूँ। छिपकर चोरी से शत्रु प्रवेश करते हैं, शरणार्थी नहीं। अनुमति पत्र है? अनुमति पत्र तो नहीं है। फिर दंड के लिए सज्ज हो जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। ठीक है, छोड़ देती हूँ।
मुझे छिपकर लंका में प्रवेश करना होगा। किसी को मेरा भेद पता नहीं लगना चाहिए, अन्यथा माता सीता संकट में पड़ सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम। राक्षस अत्यंत मायावी होते हैं, युद्ध में नियमों का पालन वो नहीं करेंगे, इसीलिए प्रत्येक क्षण दिवस रात्रि सदैव युद्ध के लिए सतर्क रहना हमें सीखना होगा। समझ रहे हैं आप सभी? हाथ में धनुष और बाण होने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि प्रत्यंचा खींची और छोड़ दिया। आपकी भुजाओं का बल बाण में जाना चाहिए। शत्रु के प्रति आपके मन में जो क्रोध है, अपने लक्ष्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है और मन में धधकती उस ज्वाला, इन सबको एकत्रित करके अपने बाण पर केंद्रित करना है। तो संधान के लिए तैयार? हाँ जी। अब दृष्टि लक्ष्य पर, कमर सीधी, अब पूरा बल लगाकर खींचो। प्रहार! क्या बात है, आपने तीर क्यों नहीं चलाया? कैसे चलाता, लक्ष्य तो दिख ही नहीं रहा है। लक्ष्य सामने ही तो है। रावण कहाँ है, राक्षस कहाँ है, जिनसे हमें युद्ध करना है? इतना समय बीत गया है, सीता माता का भी पता नहीं, और हमें कोई सूचना भी नहीं है कि हमारा शत्रु कहाँ पर है, तो फिर हम क्यों युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं? प्रयास में समय क्यों व्यर्थ करना? क्योंकि निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। लक्ष्य दिख नहीं रहा तो इसका अर्थ यही नहीं कि इसे मद में साधने की चाह, भेदने का प्रयास छोड़ दें। जब बीज बोया जाता है तो ये नहीं पता होता कि वो अंकुरित कब होगा, किंतु फिर भी हम इसे सींचने का प्रयास करते रहते हैं, इस आशा के साथ कि ये बीज एक दिन अवश्य पनपेगा, और बीज भी इस आशा के साथ अंकुरित होने का प्रयास करता है कि उसे सिंचाई मिलती रहेगी। यदि सींचने वाला ही आशा और प्रयास दोनों छोड़ दे तो ये बीज अंकुरित होकर भी वृक्ष नहीं बन पाएगा। आओ लक्ष्य साधे। दृष्टि लक्ष्य पर, भुजाओं का बल बाण पर केंद्रित, और हां मन संतुलित रहे, इसमें न्याय का आवेग होना चाहिए, भावनाओं का उद्वेग नहीं। प्रहार! और स्मरण रहे, जिस लक्ष्य की खोज में हम हैं उसका बीज बनकर वीर महाबली संकट मोचन हनुमान गए हैं, आशा का अंकुर अवश्य फूटेगा। जय महावीर हनुमान।
अधर्म की लंका में धर्म का पद पड़ चुका है। रावण ने चाहे जितने भी पहरे लगाए हो, उन सब का तोड़ आपका ये भक्त आपके पास पहुंचेगा माता सीता। जय श्री राम। मसक समान रूप का पीधारी लंकहि चलेउ सुमीरि नरहरी। इस छोटे से छिद्र से मैं लंका में प्रवेश करूंगा, किसी की भी दृष्टि नहीं जा पाएगी मुझ पर। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। पूजा पर ध्यान दो मंदोदरी। इस बात ही आचल का झुलसना किसी अनिष्ट का सूचक है दशानन। महादेव के समक्ष किस बात का भय? जिस रावण को कालों के काल महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके परिवार में उसकी लंका में कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। काल और भाग्य किसी के दास नहीं होते हैं दशानन। वायु के छोटे से झोंके और अग्नि की छोटी सी लौ से आंचल जला है मेरा। आज आंचल पर आ जाई है, कल को यदि लंका पर कोई आ जा गई तो आप क्या करेंगे? स्मरण रहे, तुम महादेव के परम भक्त रावण से बात कर रही हो। वो रावण जिसकी लंका में वायु और अग्नि भी फूक फूक कर पांव रखते हैं। रावण की इस लंका में शत्रु और अनिष्ट के लिए कोई स्थान नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.